वो दौर था जब खेती करने के लिए बैल और हल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की और खेती करने की ऐसी ऐसी मशीनें आने लगी जो मेरे किसान दादा देख लेते तो वो खुशी से मुझे 1.5-2 बीघा जमीन तो दे ही देते। खैर, दादाजी तो अब नहीं रहे और उनके जाने के बाद जमीन भी अब मेरी ही है, इसलिए अपने किसान भाइयों को याद करते हुए मिस्टर टेकबुल आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया है वो मेकिंग प्रोसेस, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी ढेर सारी लोहे की प्लेट्स को जोड़कर बनाई जाती है हमारी ये हार्वेस्टर मशीन। जहां आज के मॉडर्न टाइम में ज्यादातर काम ऑटोमेटिक मशीन से ही किया जाता है, वहीं कंबाइन हार्वेस्टर का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि एक तो ये इतने बड़े बनाने होते हैं, ऊपर से बहुत कम बिकते हैं, इसलिए यहाँ 90% काम स्किल्ड वर्कर से करवाया जाता है और सिर्फ 10% काम ही मशीनों की मदद से किया जाता है। रोबोटिक यानी कि मशीन से किए जाने वाले कामों में स्टील बॉडी को एक्यूरेटली काटना शामिल होता है, और सबसे पहले स्टील बॉडी को ही काटा जाता है ताकि गाड़ी के चेसिस को बनाया जा सके। अब कट चुकी स्टील को फैक्ट्री के वर्कर्स आपस में जोड़कर बॉडी और हार्वेस्टर में लगने वाले और भी जरूरी पार्ट्स बनाते चलते हैं। अब सभी स्ट्रक्चरल पार्ट के साथ चेसी बॉडी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चेचिस बोलते हैं, वो भी रेडी हो चुकी है, जिसके बाद इसे सबसे पहले एंटी रस्ट प्राइमर लिक्विड में डुबाया जाता है, जिससे इन पार्ट्स पर जंग रोधक की एक लेयर चढ़ जाती है, जिससे कम से कम 10 साल तक इन पर जंग तो नहीं लग सकती। अब बढ़ते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ। तो जो स्टील पार्ट्स आपने बनते देखे, उन्हें अब सालों साल इन हार्वेस्टर का साथ देने वाले हाई क्वालिटी कलर से पेंट किया जाता है। यहाँ एक जबरदस्त फैक्ट बताता हूँ, 15,000 किलो के एक हार्वेस्टर के इंटरनल बॉडी तैयार करने में 3500 नट बोल्ट लगते हैं। ऐसे में एक नट भी इधर उधर हुआ या एक भी नट लगाना भूल गए तो हार्वेस्टर तैयार होने के बाद ये पता करने में पसीने छूट जाएंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ है। इसलिए यहाँ सबसे पहले नट बोल्ट को एक सीरीज में स्टेप बाय स्टेप जमा करके रखा जाता है, और फिर एक के बाद एक कन्फर्मेशन के लिए डिजिटल मशीन में इसे नोट भी किया जाता रहता है, ताकि गलती से भी नट लगाने में कोई गलती ना हो। सभी नट बोल्ट लगने के बाद अब बारी आती है इन बड़े बड़े हार्वेस्टर में पहिए लगाने की, जिसके लिए इस राक्षस के आकार के पहियों को आपस में जुड़े एक एक्सल से जोड़ा जाता है और हार्वेस्टर की बॉडी में फिट कर दिया जाता है, जो इस हार्वेस्टर को किसी भी रोड कंडीशन में चलने की कैपेबिलिटी देता है। पहियों के अलावा इसमें बचे बाकी पार्ट्स, जैसे पावरफुल इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, फसल काटने वाली ब्लेड, फसल के अंदर खींचने वाली रील, और उसके अलावा बाकी सारे जरूरी पार्ट्स को भी प्रॉपरली असेंबल कर दिया जाता है। सभी इंटरनल पार्ट असेंबल होने के बाद अब बारी आती है सबसे जरूरी पार्ट को तैयार करने की, जिसमें बैठकर ड्राइवर मशीन को ऑपरेट करेगा, जो इसी प्लांट के एक सेपरेट हिस्से में तैयार किया जाता है। ये होता है हार्वेस्टर का कैबिन, और रेडी होने के बाद इसे भी हार्वेस्टर पर असेंबल कर दिया जाता है, और कुछ इस तरह 3500 नट बोल्ट और अनगिनत छोटे बड़े पार्ट से बना कंबाइन हार्वेस्टर अब हो चुका है तैयार, जो आपकी खेती के काम को करता है बहुत ही ज्यादा आसान। दोस्तों, ये तो था हार्वेस्टर। आपको अगली वीडियो में कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, आप चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।